आपके साथ मैं हूँ इसका नाता। आप देख रहे हैं आठ इंडिया न्यूज। इंदौर के परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर में कचरा फेंकने की बात को लेकर दो पड़ोसियों का विवाद हो गया। विवाद इतना बड़ा कि दोनों पक्ष आपस में मारपीट करने लगे। सूचना के बाद जब पुलिस मौके पर पहुंची तो एक पक्ष की तरफ से एक आरोपी ने पुलिस के साथ भी हाथापाई की और पुलिसकर्मी का मोबाइल तोड़ दिया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज किया है। मामला परदेसीपुरा थाना क्षेत्र के नंदानगर का है, जहां पर चौरसिया परिवार और जरिया परिवार का कचरा फेंकने की बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद इतना बढ़ा कि दोनों पक्षों के बीच मारपीट भी हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग अलग किया। इसी बीच यश शर्मा नामक जरिया फैमिली की तरफ से बीच बचाव करने भी आया, लेकिन जब पुलिस बीच बचाव कर रही थी इसी दौरान यश द्वारा मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी जयप्रकाश शुक्ला का मोबाइल हाथ से छुड़ाकर जमीन पर फेंक दिया गया और शासकीय कार्य में बाधा भी उत्पन्न की। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। वहीं पूरे मामले की जाँच की जा रही है। जी देखिए, कल सुबह एक घटना हुई थी नंदानगर में। दो पड़ोसी हैं, एक चौरसिया करके हैं और एक जरिया फैमिली है। इन दोनों फैमिली के बीच में कचरा फेंकने को लेकर विवाद हुआ और उस विवाद के कंसर्न में जो जरिया फैमिली है उसकी तरफ से एक यश शर्मा बीच बचाव करने लगे, फिर समहाउ वो पार्शियल होने लगे उसके प्रति। और इसके बाद में जब वहाँ पर विवाद ज़्यादा बढ़ा तो पुलिस मौके पर पहुँची। पुलिस ने दोनों को अलग कराने की चेष्टा की। इसी बीच में यश शर्मा नामक युवक ने कांस्टेबल जयप्रकाश शुक्ला का जो है मोबाइल हाथ से छुड़ाकर और ज़मीन में फेंक दिया, पटक दिया। तो कांस्टेबल हमारा अपनी शासकीय सेवा, शासकीय कार्य करने गया हुआ था, उसको इस तरीके से इसके साथ बिहेव नहीं करना चाहिए था। इसी वजह से हमने आरोपी यश शर्मा के विरुद्ध 353 का एक मामला पंजीबद्ध कर लिया है और उसकी विवेचना की जा रही है।